हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसी लाइव निकिता। जय गुरु जी की। आज है 7 जुलाई और आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सारी संगत के साथ जो ये वीडियो देख रही है, गुरु जी का बर्थडे। हमने गुरु जी की जोत जगा दी है, गुरु जी का स्वरूप रख दिया है, आसन लगा दिया है और सारी डेकोरेशन कर दी है। कड़ा प्रसाद जो गुरु जी का फेवरेट है वो भी मैंने बना दिया है और ये कुछ चीजें हमने बाजार से मंगवाई थी जो कि वो भी हमने रख दी है प्रसाद में, क्योंकि आज बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो बनती ही है, तो हमने बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है और बिल्कुल रेडी कर दिया है सारा सेटअप आज बर्थडे मनाने के लिए गुरु जी का। तो ये मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी का बर्थडे मना रही हूँ, तो मुझे कोई नहीं पता है, जो संगत देख रही है जो बहुत गुरु जी को फॉलो करती है, अगर उनसे मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं पहले ही क्षमा कर रही हूँ। बाकी गुरु जी तो हमारे गुरु हैं, बड़ों से तो हम क्षमा मांग ही सकते हैं और वो हमें हमेशा क्षमा कर ही देते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, आज गुरु जी का बर्थडे है तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि गुरु जी हमारे पास कैसे आए। 4 साल पहले जब मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनके नोन एक आंटी हैं, उनको हमने जब बताया कि ऐसे मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो हमारे घर आई, उन्होंने हमारे को गुरु जी का स्वरूप ला के दिया। ये स्वरूप उन्होंने ही ला के दिया हुआ है, तो उन्होंने हमारे को जब स्वरूप ला के दिया तो हम तब गुरु जी के बारे में नहीं जानते थे ऐसे गुरु जी के बारे में, मतलब जैसे आज हम गुरु जी के बर्थडे मना रहे हैं, गुरु जी को मानते हैं, तब हमारा ऐसे नहीं था कि जब उन्होंने हमारे को ला के दिया तो हमने उनको ये बात बताई कि हम गुरु जी को नहीं जानते, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, हमें कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप गुरुजी की फोटो को अपने टेबल के सामने लगा लो और रोज सिर्फ ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, सिर्फ एक मंत्र का जाप कर लेना। तो हमने वही किया क्योंकि हमें ज्यादा तो नहीं पता था कि कैसे पूजा करनी है और कैसे संगत जी आप लोग कैसे करते हो पूजा और कैसे आप कीर्तन और भजन करते हो गुरु जी के, तो ये सब हमने बाद में सीखा। फिर धीरे 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 जैसे जैसे सब कुछ इम्प्रूव हुआ तो हमारी श्रद्धा और विश्वास और गुरु जी पे बढ़ा और गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चला। तो हमने गुरु जी को थैंक यू किया, फिर धीरे धीरे वही आंटी ने हमारे को बताया, उन्होंने हमारे को भजन भेजे, उनका कीर्तन भेजा और जो पाठ होता है वो भेजा। तो उसके बाद हमने पिछले लॉकडाउन से हमने और भी ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु जी का पाठ और पूजा शुरू करी। रोज ज़्यादा तो नहीं कर पाते, तो जितनी भी कर पाते हैं वो दिल से करते हैं, श्रद्धा पूरी होती है और हम गुरु जी पे बस अब विश्वास बनता जा रहा है। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए, आज उनका बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी गुरुजी को विश करो और उनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि हम तो गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते पर गुरुजी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये सब वीडियोस आप देख ही रहे हो तो सब गुरुजी को विश करो, उनसे अच्छी ब्लेसिंग्स लो, जय गुरुजी बोलो और हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी बोलेंगे। और अभी मैं प्रसाद जो मैंने आपको दिखाया है, कड़ा प्रसाद बनाया था तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि कड़ा प्रसाद कैसे बनाए, मतलब कड़ा प्रसाद बनाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने कड़ा प्रसाद बना दिया है, बिल्कुल केक जैसा कड़ा प्रसाद कर दिया, ताकि हम केक काटेंगे तो कड़ा प्रसाद वाला काटेंगे विद लॉट्स ऑफ एलमंड्स। तो ये हम अभी काटते हैं केक, पहले हम आरती करेंगे उसके बाद ही केक काटेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या क्या लिया है, क्या क्या मंगाया है गुरुजी के बर्थडे के लिए। भाई गुरु जी के बर्थडे तो पार्टी तो बनती है ना, तो ये है टेस्टी वाली जलेबीज, मट्ठी प्रसाद, नमक पारे भी है प्रसाद में, लड्डू वो भी बूंदी का, किस किस को पसंद है ये लड्डू, और ये समोसा। मतलब ये सोच लो कि इतने टाइम बाद बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वो भी फुल पार्टी के साथ। तो ये गुरुजी का प्रसाद है जो आप सबके लिए है, संगत जी के लिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इस प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। समोसा, जलेबी, नमक पारे, लड्डू, मट्ठी और हलवा भी है। तो जो जो चीज आपको पसंद है बस आप मन से प्रसाद ग्रहण कर लो, आपको मजा आ जाएगा। तो हम करने वाले हैं गुरुजी का मंत्र जाप, जो कि सिंपल सा जाप होता है, आप ये छोटा सा जाप कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। गुरुजी को शिवजी का स्वरूप मानते हैं, गुरुजी को शिवजी का ही अंश मानते हैं। तो हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम
तो आप भी मंत्र जाप करें और गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गुरु जी की आरती करेंगे, फिर हम सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि गुरु जी का जो आशीर्वाद है वो हमें लंगर प्रसाद से ही मिलता है। तो जो आज मैंने लंगर और प्रसाद गुरु जी के बर्थडे के लिए मंगवाया है वो हम सब मिलकर और आप सब हम सब मिलकर एक साथ ग्रहण करेंगे। तो पहले हम गुरु जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गुणवासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, भोले दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, शंकर जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले भुज माला धारी, चंदनी कर माला धारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंबे, भोले बागांबर अंगे, संकादिक गरुणादिक, संकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्येक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, दुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम ये गुरु जी को हलवे का और कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं और फिर हम सब ये प्रसाद खाएंगे। जय गुरु जी की। तो ये प्रसाद आप सबके लिए है संगत जी, तो आप ये प्रसाद को ग्रहण करो और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट्स में जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी जरूर लिखना। थैंक यू।